हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी और आज मेरे साथ जुड़ रही हैं एक ऐसी अदाकारा जिनके बारे में हमेशा ये मैं हमेशा सोचते रहता हूं कि आगे क्या है इनका, इनकी खूबसूरती का राज है, पूरा देश जानना चाहता है। मलाइका, अभी भी आप कुछ खा रही हैं? इतना मैं अभी भी कुछ खा रही हूं। कैसे मेंटेन रखती है? बिकॉज यू नो पीपल स्पेशली आफ्टर लॉकडाउन खाने को लेकर बहुत ज्यादा जागरूक हो गए हैं। सडनली वेलबींग, क्या खाएं, ग्रीन टी पिए कि नहीं पिए, नॉर्मल टी पिए। तो आई एम श्योर यू द मोस्ट फिटेस्ट एक्ट्रेस वी हैव अराउंड, सो व्हाट डू यू थिंक पीपल शुड डू, नेशन वांट्स टू रियली नो? यस, जैसे आपने कहा कि आई थिंक इन दो साल में पैंडेमिक में लोगों को बहुत ही बहुत कॉन्शियस बन गए कि खुद का ख्याल रखना चाहिए, कैसे कैसे रहना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। और जैसे आपने कहा वेलनेस, आई थिंक इतने सालों से सब एक्सटीरियर पे इतना इतना यू नो वक्त दिया है, इतना यू नो कॉन्सेंट्रेट किया है कि अपने एक्सटीरियर पे ध्यान दो कि आपको कैसे लगना चाहिए, आपके आपके एब्स कैसे लगना चाहिए, आपको कितना वर्कआउट, ये सब इज ऑल फाइन। बट आई थिंक इस पैंडेमिक ने हमें अगर एक चीज हमें सिखाया वो है इंटरनल वेलनेस, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही नेसेसरी है। सो आई थिंक एक्सटर्नल एंड इंटरनल वेलनेस टुगेदर इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या हाँ, ऑफकोर्स आप अपने आप पे एक्सटीरियर पे जितना आपको यू नो वक्त बिताना है तो प्लीज कीजिए, बट इफ यू वॉन्ट टू लुक अ सर्टन वे ऑन द एक्सटर्नल, योर इंटरनल वेलनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके लिए आपको सही खाना है, टाइम पे खाना है, ऐसे खाना आपको आपको कंज्यूम करना है जहाँ पे इट इज वेरी न्यूट्रिएंट रिच, वेरी हेल्दी। ये सब कैलोरी वैलोरी ये सब छोड़ो, जस्ट ईट हेल्दी फूड। एंड आई थिंक आज हम जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, द टेटली ग्रीन टी इम्यून इज एक्सलेंट, बिकॉज हम सब जानते हैं कि ग्रीन टी इज इट्स अ वंडर ड्रिंक, इट रियली इज अ वंडर ड्रिंक। इसमें इतना एंटी ऑक्सीडेंट ठोस ठोस के भरा है, सो यू शुड हैव ग्रीन टी, बट एक कप से कुछ नहीं होगा, आपको दिन में एटलीस्ट 3 कप आपको पीना चाहिए। और जो आज हम जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, द ग्रीन टी और द टेटली ग्रीन टी इम्यून, नॉट ओनली इज इट फुल ऑफ एंटी ऑक्सीडेंट, इट इज इन्फ्यूज नाउ विद वाइटामिन सी। और हम सब जानते हैं कि वाइटामिन सी बहुत ही इंपॉर्टेंट है टू मेंटेन your immunity, and if the one thing the pandemic and COVID has taught me since I have recovered from COVID is the intake of vitamin C, and it's very very important that you give your body vitamin C. So ye dono saath mein, green tea and vitamin C is the perfect combination. मलाइका, लेकिन मेरे जैसे लोग जो हमेशा कॉफी और टी पे जीते हैं, who have a lot of stressful life, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। I think lockdown के बाद भी वो काढ़ा पीना, वो ग्रीन टी पीना वाज वेरी डिफिकल्ट। तो वो एक थॉट जो होता है कि हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ वो चेंज करना हमारे इंडियंस के लिए स्पेशली थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो व्हाट डू यू थिंक, यू नो मतलब आपको इंस्पायर हो के आई एम श्योर लोग करते, कैसे वो थॉट आया जाए, आई नो आई गेट इट, पहुंचा कैसे जाए, फॉर वर्किंग इंडिविजुअल्स, फॉर वर्किंग इंडिविजुअल्स, बिजी इंडिविजुअल्स, रोज ये काढ़ा वाढ़ा बनाना, आई नो इट इज वेरी, इट कैन बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग, बट वी आल्सो लिव इन अ कंट्री वेयर सालों से हम काढ़ा पीते आ रहे हैं, यू नो इट्स नॉट कि हम पहली बार हम पी रहे हैं, बट आई अंडरस्टैंड फॉर वर्किंग पीपल इट कैन बी डिफिकल्ट, दैट इज व्हाई समथिंग लाइक द टेटली ग्रीन टी इम्यून व्हिच इज विद एडेड विटामिन सी इज वेरी गुड, बिकॉज एनी व्हिच वे योर बॉडी नीड्स विटामिन सी टू बिल्ड योर इम्यूनिटी फ्रॉम द इनसाइड। आप जितना भी आप मसल्स को बढ़ाया है, जितना भी आप ये सब करें, अगर आप अंदर से फिट नहीं हो, बाहर से जितना भी आप काम करोगे, अंदर से अगर आप फिट नहीं हो कुछ फायदा नहीं होगा। सो This is an excellent, excellent, excellent alternative. Yes, मैं तो चाय कॉफी पीती नहीं हूँ. This is all that I have. ये आदत हो गई है. And I think आदत बनाना है. आदत एक, I like you said, हम सब इतने stressful lives जीते, लेकिन जी रहे हैं. But कॉफी और टी के you know बिना हम कैसे जी पाए? I think एक बस एक आदत है. अगर एक 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 थोड़ी सी एक छोटी सी चेंज है आपके लाइफ में, इफ यू कैन ब्रिंग अबाउट अ स्मॉल चेंज इन योर लाइफ, इट विल गो अ लॉन्ग वे। सो द गुड थिंग विद द टेटली ग्रीन टी इज इतने कमाल के फ्लेवर्स है, इन केस यू फील कि ग्रीन टी इज थोड़ा कड़वा है, हम कैसे यू नो स्टार्ट करें, देयर आर अदर फ्लेवर्स, यू हैव मैंगो व्हिच इज सो डिलिशियस, ट्राई दैट। एंड जैसे मैंने कहा कि आदत तो बनाओ, एंड आई थिंक बहुत अच्छा रहेगा। सो यस, these are small small changes that you can make in your life. जी, हम पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन आप बताइए मलाइका, आप
आप तो वैसे मैं जानता हूँ फूडी हैं आप, हर तरह का खाना खाती हैं, जो प्योर जो मिक्स्ड बैकग्राउंड, यू आर पंजाबी और साउथ इंडियन, यू नो, तो किस तरह का खाना रियली पर्क्स यू अप? हाउ मच ऑफ फूडी आर यू एंड व्हाट Oh, I'm a interests? complete foodie, and I think my love for food has eventually translated and has actually made me want to get into the food business. That is why I started, you know, in collaboration with Rebel Foods and Eat Sure. I started the Nude Bowls. It's only because I love food. And if you have not tried our Nude Bowls up to try any yet, then please try it, because I can assure you, it's healthy, but and nutritious, but extremely tasty. So I'm that kind of a person. मैं मुझे खाना बहुत पसंद है, और जब मैं खाती हूँ मैं वो उस इस किस्म का खाना खाती हूँ जो मुझे खुश कर देता है. I think जब आप खा रहे हो तो आपको खुश होना चाहिए, ये नहीं कि आप कुछ खा रहे हो और मतलब आप साथ में ये बोलो कि हाय ये कैसे हजम होगा, ये कैसे खाए. I don't think that's fair. You should eat food that makes you happy, that reflects a good mood. So और जो मैं जो हमारा जो न्यूड बोल्स है इज डिलिशियस यमी फूड, सो यू मस्ट ट्राई इट. आई वुड अर्ज यू टू ट्राई इट. सो यस, माय पंजाबी रूट्स एंड माय साउथ इंडियन रूट्स गिव मी द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, नॉर्थ एंड साउथ. एंड बिल्कुल उसी किस्म का खाना हमारे घर में भी बनता है, लिटिल बिट ऑफ नॉर्थ एंड लिटिल बिट ऑफ साउथ. एंड यस, इट्स डिलिशियस फूड. पराठा या इडली, व्हाट डू यू थिंक? एक दिन मैं पराठा खाती हूँ, एक दिन मैं इडली सांभर खाती हूँ, एक दिन मैं राजमा चावल खाती हूँ, एकदम एक दिन मैं रसम राइस खाती हूँ. सो आई कीप अल्टरनेटिंग बिटवीन ऑल ऑफ इट. जी, पर आजकल की जो हमारी मिलेनियल्स है, द यूथ है, उनको सब कुछ इंस्टेंट चाहिए. जो इंस्टाग्राम की सो कॉल्ड जनरेशन है हमारी, उनको हर चीज यू नो इंस्टेंटली चाहिए. तो क्या इस भागम भाग में, इस इंस्टेंटली के चक्कर में, दे आर जस्ट फॉरगेटिंग द रूट्स? व्हाट यू आई वांट यू टू द यूथ टू लाइक यू नो हैव देम इनकल्केट द राइट हैबिट्स, बिकॉज़ कहीं ना कहीं इस भागम भाग में वी आर जस्ट फॉरगेटिंग व्हाट यस हम सब वी आर ऑल लुकिंग फॉर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, वी आर लुकिंग फॉर इंस्टेंट क्विक फिक्स मेथड. That's why I think, you know, something like this, like the Tetley green tea immune is excellent, because if you see it, they are sachets. They're the most convenient little sachets that we all know. But take a few sachets and keep it in your bag, in your pouch, in your pocket. Or jabhi bhi chahiye, bas, you know, ek cup mein dal do, garam pani dal ke, aap pilo. So it's very convenient. Yes, we all are looking for quick ways of going about things. Quick fix helps very temporarily. You need to look at measures that help long term. So I would say adopt the long term measures and not the short quick fix methods. I'm sure Malaika, you inspire so many people. I'm sure jo hame dekh raha hoga wo kuch na kuch seekhenge, aur is tarah ki jo healthy food habit jo aap khud apne life mein aazmati hain wo bhi aazmayenge. Humse baat karne ka bahut bahut shukriya. Isi tarah aap hame inspire karte rahe, because really you have been inspiring a whole I think almost more than a decade, and I'm sure aane wale decade mein bhi you keep on inspiring. Thank you so much, that was a lovely lovely talk, and I will see you soon. Shali, thank you so much, Malaika. Thank you, goodbye. And all the very best. Thank you. Thank you. Bye. Bye-bye. Bye.